हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में एडवांस पेमेंट के कंसेप्ट को किया था टैली आरपी 9 में, लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो है टीडीएस के ऊपर। इससे पहले भी मैंने टीडीएस के ऊपर दो वीडियोस बना के रखी हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, आप जरूर जाके देखें। इस वीडियो में हम टीडीएस के साथ संबंधित कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे और फिर से देखेंगे कि किस प्रकार हम टीडीएस के लिए लेजर्स बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज हम काम करेंगे आर्नोल्ड कॉर्पोरेशन में। तो यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो हमारे पास एंट्री है ऑन 1st January 2021 आर्नोल्ड कॉर्पोरेशन रिसीव ए बिल फ्रॉम वर्मा एंड सन्स फॉर 2,50,000 टुवर्ड ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइडेड। इसका मतलब है कि आर्नोल्ड कॉर्पोरेशन ने एक बिल रिसीव किया है 2.5 लाख रुपए का, जो कि हमारा खर्चा है ऑडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्मा एंड सन्स को 2.5 लाख रुपया देना है, जो कि टीडीएस काट कर देना है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के लेजर्स होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट है एक्सपेंस लेजर, जिसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है पार्टी लेजर, जो कि हमारे पास है वर्मा एंड सन्स। एंड थर्ड है टीडीएस लेजर, जिसको हम बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये तीन लेजर हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए फटाफट से हम ये लेजर्स बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो ओपन करें। नेक्स्ट है लेजर्स, नेक्स्ट है क्रिएट। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे वर्मा एंड सन्स का लेजर, जिसको हम रखेंगे अंडर सेंडरी क्रेडिटर्स, क्योंकि जिनसे हम सेवाएं प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं वर्मा एंड सन्स। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको हम रखेंगे यस। और यहाँ पे नीचे दे रखा है इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको हमने रखना है यस। नेक्स्ट है डिडक्टिव टाइप, तो हम रखेंगे इंडिविजुअल हफ एंड नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको भी हम यस रखेंगे। यहाँ पर इसका पैन नंबर देना बहुत ही जरूरी है, अगर हम पैन नंबर नहीं देंगे तो ये टीडीएस जो है वो 20% उठाएगा। वैसे 10% लिमिट है, लेकिन पैन नंबर ना होने के कारण ये 20% उठाएगा, जिसको हम सेव करते हैं। बाकी के दो लेजर्स जो थे वो हमने पिछली वीडियो में बनाए हैं, तो इस वीडियो में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो जो हमने पिछली वाली वीडियो में लेजर्स बनाए थे उनको हम डिस्प्ले में जाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बनाया इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, जिसको हमने रखा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम फिर से बैक जाएंगे। एक हमने बनाया था टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट, जिसको हमने रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। हमारे पास ये तीनों लेजर्स हैं, हमने बनाया वर्मा एंड सन्स, जिसको हमने रखा है अंडर सेंडरी क्रेडिटर, और फर्स्ट वाला जो लेजर है एक्सपेंस लेजर, जो कि हमने पहले से बना के रखा था, उसका नाम है इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस। एंड थर्ड है टैक्स लेजर, जिसको हमने बनाया है टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट, उसको हमने रखा है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। हम ओपन करेंगे F7 जर्नल। तो मेरे पास पहले से ही जर्नल वाउचर ओपन है, तो हम डेबिट करेंगे इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, जो कि हमने रखा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम लिखेंगे 2,50,000। नेक्स्ट हम क्रेडिट करेंगे वर्मा एंड सन्स का लेजर। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस है 2,50,000। जब हमने वर्मा एंड सन्स का लेजर किया क्रेडिट, तो सिर्फ 2 लाख ही शो कर रहा है, बाकी का जो अमाउंट है वो टीडीएस कट गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वैसे तो टीडीएस की लिमिट 10% होती है, लेकिन वर्मा एंड सन्स का पैन कार्ड नंबर ना डालने की वजह से ये 20% उठा रहा है, इसीलिए 2.5 लाख के ऊपर टीडीएस कटा है 50,000। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी। हम रखेंगे न्यू रेफरेंस, हम देंगे J013। ये हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तो इसी रेफरेंस कोड की वजह से हम पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम रखेंगे न्यू रेफरेंस, इसको हम रखेंगे TDS 013। नेक्स्ट हम करेंगे क्रेडिट TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। नीचे आप नेशन जीरो टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। तो मैं आपको पेजअप करके बता देता हूँ। फर्स्ट हमें डेबिट करना है इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस, जिसको हमने रखा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमने करना है वर्मा एंड सन्स को क्रेडिट। नेक्स्ट हमने करना है TDS ऑन इंटरनल ऑडिट को क्रेडिट। तो हमने इसको कैलकुलेट तो कर दिया, अब हम वर्मा एंड सन्स को सैलरी पे कर देंगे एंड TDS पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो इसको पे करने के लिए हम जाएंगे F5 पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट का वाउचर ओपन करें, हम डेबिट करेंगे वर्मा एंड सन्स, इनको हमने देना है 2 लाख रुपया।
हमने करना है अगेंस्ट रेफरेंस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो रेफरेंस कोड है उसको हमने सिंपल लिखना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने दिया था J013, तो यहाँ पर आ रहा है, इसको करें सिलेक्ट, तो ये 2 लाख खुद ब खुद उठाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे बैंक का लेजर क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम पे करेंगे TDS, तो हम डेबिट करते हैं TDS ऑन इंटरनल ऑडिट, जिसको हमने रखा है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसको भी हम लेंगे अगेंस्ट, तो ये खुद ब खुद आगे आएगा। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, तो अमाउंट 50,000 आएगा खुद ब खुद। नेक्स्ट हम करेंगे बैंक का लेजर क्रेडिट, नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए से। तो मैं आपको सारा पेज अप करके बता देता हूँ। इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस को किया डेबिट, फिर वर्मा एंड सन्स को क्रेडिट, TDS ऑन इंटरनल ऑडिट को क्रेडिट। नेक्स्ट हमने पेमेंट करी है वर्मा एंड सन्स को। नेक्स्ट हमने TDS पे किया बैंक के द्वारा। इसी प्रकार हम एक और एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं TDRP9 में, लेकिन इस बार हम पार्टी का लेजर डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते टाइम ही बनाएंगे। तो चलिए करते हैं डेबिट इंटरनल ऑडिट एक्सपेंस। अमाउंट हम लेंगे 2 लाख रुपीज। हम क्रेडिट करेंगे मिस्टर एक्स का अकाउंट, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हम डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अल्ट प्लस सी प्रेस करें डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर एक्स, इसको हम रखेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम रखेंगे यस। नेक्स्ट है इज TDS डिडक्टेबल, इसको हम रखेंगे यस। नेक्स्ट है डिडक्टिव टाइप, जैसे कि आपको मालूम है इंडिविजुअल हफ नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट है TDS डिडक्ट इन सेम वाउचर, इसको हम रखेंगे यस। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें सेव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर डिडक्ट होकर आ रहा है 160, हमने 2 लाख किया है डेबिट, लेकिन क्रेडिट हो रहा है 160, बाकी का अमाउंट जो है वो TDS कट रहा है। हम करेंगे न्यू रेफरेंस J014, हम रखेंगे न्यू रेफरेंस TDS14, हम क्रेडिट करेंगे TDS ऑन इंटरनल ऑडिट। नीचे हम रिलेशन जीरो टाइप करेंगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। इसके बाद फिर से वही प्रोसेस, F5 पेमेंट का वाउचर ओपन करें, डेबिट करेंगे मिस्टर एक्स को, उनको देंगे हम 1,60,000। हम रखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस J014, जैसा कि आपको मालूम है हमने किया है थोड़ी देर पहले। हम करेंगे क्रेडिट बैंक का लेजर, नीचे आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। नेक्स्ट हम करेंगे पेमेंट TDS की, हम करेंगे TDS ऑन इंटरनल ऑडिट का अकाउंट डेबिट, हम करेंगे अगेंस्ट, आगे ये टैक्स डिटेल खुद ब खुद शो करेगा। हम करेंगे बैंक का लेजर क्रेडिट, नेक्स्ट आप नेशन जू टाइप करोगे एंड कंट्रोल प्लस ए सेव। तो इस प्रकार आप TDS के लिए एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको रिकॉर्ड करने का दूसरा तरीका है, जब आप F7 जनरल वाउचर ओपन करते हो तो यहाँ पे साइड पे देखिए दे रखा है TDS डिडक्शन, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करें इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे TDS डिडक्शन के लिए कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी, इसको हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। हम धीरे धीरे अपने प्लेलिस्ट में काम करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, हम जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप जल्दी करोगे तो आप पीछे वाला भी भूलना शुरू कर दोगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार की कुछ एंट्रीज को पिक करें और उनको रिकॉर्ड करें TDRP9 में। थैंक यू।